फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर यानी कि सैटरडे को शाम 3:30 बजे से मैच खेला जाएगा मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में। ये आईपीएल का 46 मैच है। ये बहुत बड़ी मैच होगी। दिल्ली कैपिटल्स वही अंडर 4 में जगह बना चुकी है। वही मुंबई के लिए बात की जाए तो मुंबई काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा मुंबई को, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स काफ़ी मजबूत टीम है। यहाँ पर ये रहा मुंबई का मैच शेड्यूल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुंबई सिर्फ एक मैच जीती है, वो भी पंजाब के खिलाफ 4 मैच में से, और ये 5th मैच है मुंबई का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। क्या मुंबई दिल्ली कैपिटल्स के पास जीत पाएगी? मुझे नहीं लगता कि जीत पाएगी, क्योंकि मुंबई एकदम ख़राब टीम हो चुकी है अभी इस फेज में। ये रहा मुंबई का प्रोबेबल 11। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिको का अच्छे फॉर्म में है, बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। मगर वही बात की जाए इस किसान का और पांडे का, उनके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। और बॉलिंग की बात करें तो चहर बुमराह अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बुमराह को और बढ़िया बॉलिंग करना पड़ेगा। दिल्ली कैपिटल का मैच शेड्यूल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल ने अभी तक 3 मैच खेला है फेज 2 में, जिसमें से 2 मैच जीता है और 1 मैच हारा है KKR के खिलाफ। और ये 4th मैच है दिल्ली कैपिटल का फेज 2 का मुंबई के खिलाफ। दिल्ली कैपिटल काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है। और बात करें कैप्टन का, तो कैप्टन तो लाजवाब हैं, बहुत बढ़िया कैप्टनसी कर रहे हैं और बैटिंग भी बढ़िया कर रहे हैं। ये रहा दिल्ली कैपिटल्स का प्रोबेबल 11। आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि धवन, सौ, अय्यर, पंत कितना बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। और बात की जाए बॉलिंग की, तो नटर्जी आवेश खान की बॉलिंग तो बेहतरीन हो रही है। और वही बात करें अश्विन की, तो बॉलिंग के साथ साथ फाइटिंग भी अच्छा कर रहे हैं। ये रहा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई का हेड टू हेड मैच का परफॉर्मेंस ओवरऑल। 29 मैच आपस में खेले हैं दोनों टीम ने, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मैच जीता है और मुंबई ने 16 मैच जीता है। मुंबई 3 मैच से आगे है इस परफॉर्मेंस में। मगर इस मैच का प्रेडिक्शन मेरा ये रहेगा कि मुंबई इस मैच को जीतने जा रही है और दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को हार जाएगी। अब एक नज़र पॉइंट हेल्प पे। दिल्ली कैपिटल वही 2nd पोजीशन पे है 11 में से 8 मैच जीतकर 16 अंक के साथ। और बात करें मुंबई की, तो वह 6th पोजीशन पे है 11 में से 6 मैच जीतकर 5 मैच जीतकर 10 अंकों के साथ। अब देखना होगा कि इस मैच के बाद कौन कहाँ पर जाता है। और लास्ट में हमारे चैनल मैच प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब करें और प्रेडिक्शन देखते रहें। थैंक यू।